बचपन में जब हम काफी समय तक इंतजार करते थे कि झूले लगेंगे और एक मेला होगा जहां पर हम लोग जाएंगे अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती करेंगे और वो पल निकालेंगे जिस पल में हम अपने परिवार को समय दे सकें, वही मेला आज यमुनानगर के जगाधरी शहर के 18 सेक्टर में फन फेयर मेला लगा है। सामने तस्वीरें देख सकते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से झूलों के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और यही फीलिंग आप लोग इस मेले में आकर फिलहाल जरूर ले सकते हैं। सामने देख सकते हैं बड़े बड़े झूले जिन्हें हम याद किया करते हैं, वो अब आपके जगाधरी शहर में कहीं ना कहीं जो अब फन फेयर मेला यहाँ पर 18 सेक्टर में लगा हुआ है और अब फुल आप एंजॉय अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। सामने तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग मौज मस्ती के साधन फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग तरीके से बच्चों के नाचने गाने से लेकर हर एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ये झूले आप देख सकते हैं, ये वही दिन की याद दिलाते हैं, उसी बचपन की याद दिलाते हैं जब हम बचपन में सोचा करते थे कि बड़ा झूला लेंगे और वही झूले अब आपके शहर में यहाँ पर लग रहे हैं जिसके बाद आप काफ़ी मौज मस्ती कर सकते हैं। और मेले के अंदर अगर बात की जाए तो ये पुराने शॉट एक होते थे जिसमें हम लोग सोचा करते थे कि इन गुब्बारों को फोड़ेंगे और उसके बाद खूब मस्ती करेंगे, जिसको लेकर काफ़ी मज़ा यहाँ पर लोग करते थे, वो अब आपके शहर में 18 सेक्टर फन फेयर मेले में फिलहाल ज़रूर लग चुका है। और झूलों की बात करें, ये झूला जो है लोगों को याद दिलाता होगा कि इस झूले में बैठने के बाद डर तो बड़ा लगता था पर लेकिन अब ये कहीं ना कहीं एंजॉय करने के लिए बहुत बढ़िया है। देख सकते हैं सामने किस तरीके से बच्चे यहाँ पर किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और आप भी अपने बच्चों को इस फन फेयर मेला में लेकर आइए और इसी तरीके से अपनी फैमिली और अपने परिवार के साथ इस तरीके का आप मज़ा ले सकते हैं। तो बच्चों के पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, ऐसी मौज मस्ती जब पुराने समय में मेले लगा करते थे तो कैसा लगता था, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता था जी, पहले हम खुद जाते थे, अब बच्चों को लेके जाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, झूले हैं, अब कहीं ना कहीं काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, कभी साल में एक आधी बार मेला लगता है, क्या कहेंगे? लगते तो कम है, बस कुछ जगह की कमी हो गई है, कुछ गवर्नमेंट नहीं लगने देती हमारी जी। पहले सिटी सेंटर में लगा था, अब यहाँ पे लगा है। सर, औरों को रिकमेंड करेंगे पेरेंट्स? बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहिए, बच्चों को लेके आना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि पहले आज कैसा था। आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं फोन में लगी हुई है, रेस्टोरेंट में लगी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि इस माहौल में आए बच्चों का भी मन लगे और परिवार के साथ? बिल्कुल इस माहौल में आना चाहिए जी, बच्चों को लेके आना चाहिए। हमारी तो ये है कि सभी पेरेंट्स आए, आप जैसे छुट्टियों का माहौल है आगे को बच्चों को ये दिखाना चाहिए, जैसे बच्चे फोनों में मस्त है, बच्चों को ये चीजें देखनी चाहिए और दिखाना चाहिए पेरेंट्स को लागे कि ये भी है देखो। चीज कर लेते हैं मैम, क्या कहेंगे, कितना मजा आ रहा है, बचपन की क्या याद आती है मेला देख? अभी तो मतलब पुराना वो हिसाब रहा ही नहीं है, जैसे पहले जनरेशन में मेला में जाया करते थे लोग, तब तो काफी कम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, पर फिर भी ये है कि बच्चों को शहर के यानी कि लोगों को आना चाहिए देखने के लिए, जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे भीड़ कम है, देखने को कम मिल रहा है, हम कहते हैं कि होना चाहिए, आए देखें, प्रोत्साहन करें जिन्होंने लगाया है मेला जी। तो क्या लग रहा है, लोगों को आना चाहिए, अपने फैमिली बच्चों के साथ टाइम निकालना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर, क्यों नहीं आना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए बच्चों के लिए भी। तो बच्चों के लिए टाइम जरूर निकालिए, क्योंकि निकालना भी जरूरी है, क्योंकि एक समय होता है दिन भर, हर दिन, हफ्ते, महीने और सालों साल काम में लगे रहते हैं, पर लेकिन काम के बाद आप क्या करेंगे, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं जहाँ खाने पीने से झूले से लेकर हर एक सामान फिलहाल मिलेगा। कितना मजा आ रहा है यहाँ पर झूले लेकर? बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय, अगर कोई की फैमिली आना चाहती है तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हो इस चीज़ को लेकर। तो क्या लग रहा है, पहले पुराने टाइम में लगते थे, दौड़ कर जाते थे, अब मेले लगते हैं, लोग कम आते हैं, क्या कारण है? वो कुछ जनरेशन आजकल फोन में लगी हुई है, कुछ बच्चे फोन में लगे हुए हैं, तो उससे कहीं से कहीं बच्चों को इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ को लेकर। अगर बाई चांस फैमिली पूरा इंजॉय कर सकती है इस चीज़ को लेकर, पूरा माहौल बना हुआ है, आप फैमिली के साथ बच्चों का भी मनोरंजन होगा, उसमें फैक्ट भी बढ़ना बच्चों का, इसके लिए ये करना चाहते हैं। तो आप भी झूले लेकर एंजॉय फिलहाल यहाँ पर कर सकते हैं और अलग अलग झूले बच्चों से लेकर बड़ों तक के झूले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे लेकर चलते हैं, क्या कुछ खरीदने का सामान है और किस तरीके से
फिलहाल आप यहाँ पर आकर खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और मौज मस्ती कर सकते हैं। तो खाने में आपको पाव भाजी से लेकर हर एक स्नैक्स और हर एक सामान यहाँ पर, पीने में जूस से लेकर हर एक सामान फिलहाल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि अपने परिवार को समय दे सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर समय दे सकते हैं, खाने पीने से लेकर हर एक झूले समेत हर एक एंजॉयमेंट का सामान यहाँ पर उपलब्ध है। और बात की जाए पीने के लिए जूस और हर एक सामान, गेम्स खरीदने के लिए गेम्स यहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने जो होते हैं वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। और साथ ही साथ जितना मज़ा आप लोग रेस्टोरेंट या फ़ोन में लगाते हैं उससे ज़्यादा मज़ा आपको जो है इस फन फेयर मेले के अंदर आने वाला है। तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं, हर एक खाने पीने से लेकर हर एक सामान। और जो पुराने समय में गोला चुस्की होती थी और कहीं बार कई चाव से हम खाते थे, वो भी अब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। एक बार बातचीत कर लेते हैं, कुछ पेरेंट्स खड़े हैं, भैया क्या क्या कुछ कहेंगे? मेला जब पुराना समय होता था, मेले में जाते थे, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता था बच्चों में, तो क्या कहेंगे इस तरीके के मेले जो लग रहे हैं, क्या लोगों को आना चाहिए? भैया आना चाहिए, पहले बंदे जाते थे इंजॉय करने के लिए, अभी इंजॉय खत्म हो गया, बंदे मोबाइल में बिजी रहते हैं। अभी बंदे को आना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, बच्चों को लेकर आना चाहिए, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करना चाहिए आगे। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे वही एंजॉय ले रहे हैं जो पुराने समय में हम लोग लेते थे और बड़े पेरेंट्स लेते थे। और यही क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को फ़ोन और रेस्टोरेंट से निकाल के क्या मेले में लाना चाहिए? बिल्कुल ले करना चाहिए, मोबाइल से बच्चों को दूर रखना चाहिए और रेस्टोरेंट से दूर रखना चाहिए, बच्चों को इंजॉय करना चाहिए, बच्चों को खेल खिलौना लगाना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों को एंजॉय करना चाहिए और एंजॉय भी ज़रूरी है, क्योंकि एक समय होता है कि आप अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल पाते और वो समय आपको यमुनानगर के जगाधरी शहर में मेले में फिलहाल मिलने वाला है। और स्पेशल खुर्जा की क्रॉकरी भी आपको इस मेले में जरूर मिलने वाली है। ये आप डिज़ाइन से एक बार देख सकते हैं, जो ये डिज़ाइन आप लेने जाते हैं जग के मग्स के, और इस तरीके से ये डिज़ाइन सब आपको इस मेले के अंदर मिलने वाले हैं। और वो जो ट्रेडिशनल टाइप से बर्तन होते हैं, जो क्रॉकरी होती है, वो अब आपको यहाँ पर मिल सकती है। एक बार भैया से पूछ लेते हैं क्या क्या क्रॉकरी, भैया क्या क्या क्रॉकरी अवेलेबल है? फुल किचन की क्रॉकरी है, फुल। हाँ जी, क्रॉकरी में सारा आइटम हमारे पास, तो खुर्जे के अंदर ही बनी बनती है, खुर्जे के अंदर ही बनाई जाती है सारी फैक्ट्री वगैरह ऑल इंडिया में, खुर्जे के अंदर ही है क्रॉकरी की। तो 50 रुपये मग रेट रख रखे हमने, 50 रुपये पर पीस। तो ये देख सकते हैं जग्स, आपको हर एक आइटम यहाँ पर फिलहाल आप खरीद सकते हैं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। और पुरानी गेम्स जिन्हें हम याद किया करते थे, पुरानी गेम्स यहाँ पर अवेलेबल है जिन्हें हम याद किया करते थे। एक बार भैया से पूछ लेते हैं, भैया कौन सी गेम है, ये कौन सी गेम है? सर ये लक्की ड्रॉ गेम है, 6 बॉलें मिलेंगी, लाइन से प्ले करोगे, जिस नंबर में बॉलें ऐड होंगी टोटल प्लस करके जो भी बैनर से नंबर मैच हो जाएगा सामने से गिफ्ट हो जाएगा। तो एक गेम है जिसमें लक्की ड्रॉ निकलता है, जो नंबर मैच होते हैं, जिसके बाद आपको इनाम भी इस मेले में मिल सकता है। और ये पुरानी गेम आप देख सकते हैं, ये गेम है जो पुराने समय, रिंग्स गेम है जो पुराने समय में बहुत खेली जाती थी और आज भी मेले में कहीं ना कहीं इसका पूरा ट्रेंड है। और ये सामने जो ये रिंग होती है, जिस भी सामान के ऊपर गिर जाए तो उसके बाद वो सामान आपका हो जाएगा, जी हाँ आपका वो सामान हो जाएगा। और इस तरीके से मनोरंजन फिलहाल आप अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ ज़रूर कर सकते हैं। तो फिलहाल एक बार 18 सेक्टर के इस मेले में आइए और आप भरपूर आनंद उठाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, खाएं पिए और यहाँ पर मज़े करें। वही पुरानी यादें और वही पुराने जो अंदाज है वो आपके कहीं ना कहीं निखर कर सामने आएंगे। और ये जो फील आती है इस मेले को लेकर, वो कहीं ना कहीं उस पुराने समय की याद दिलाती है, जो समय हम लोगों ने देखा है। और मैं चाहूँगा कि वही समय आप अपने बच्चों को दिखाएं।